तक रहा, ऐसे ऐसे महान संत हुए, महान लोग पैदा हुए जो दुनिया को रास्ता दिखाया, दुनिया उन्हीं के रास्ते पर चल रही। गौतम बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो, या आधुनिक काल में जो है महात्मा गांधी हो, अंबेडकर जी हो, ऐसे अनन्य, चाहे विवेकानंद जी हो, हम नाम नहीं गिना सकते। इतनी विभूतियां भारत में हुई जो अपने अपने तरीके से देश और मानवता के लिए काम, ये जितने भी भारत के महापुरुष थे उन्होंने केवल मानवता के लिए काम किया, पूरे विश्व को अपना घर मानते थे। और आज देखिए उनकी वो सोच जो है आज पूरा विश्व एक मुट्ठी में कैद, आपके मोबाइल में पूरी दुनिया है। एक छोटी सी घटना दुनिया में कहीं घटती है वो हमको सीधे सीधे प्रभावित करती है। एक ग्लोबल दुनिया, ये मानवता की रक्षा और इसकी शुरुआत भारत से हुई, और हम इस महान देश के वासी, इस पर हम लोगों को गर्व होना चाहिए। ऐसा देश पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। और इस देश को बनाने में हजारों लाखों करोड़ों महापुरुषों ने, जो सशरीर नहीं है लेकिन उनके विचार आज भी हैं, और जब तक मानवता रहेगी, जब तक ये संसार रहेगा, उनके विचार रहेंगे और उन्हीं पर ये दुनिया चल रही। उसी में दो महापुरुषों की जो जयंती है, गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी, दोनों ने मानवता के लिए कार्य किया, दबे कुचलों के लिए कार्य किया। और गांधी जी के बारे में बहुत सारी जाने की 2 अक्टूबर 1869 से लेकर के जीवन पर्यंत, जब से उन्होंने होश संभाला तब से मानवता के लिए संघर्ष किया, और उसी मानवता की संघर्ष रक्षा करते करते उनको 30 जनवरी 1948 को उनको गोली मार दी। प्राय बेटा होता है कि जो मानव के लिए काम करता है उसमें दो प्रकार के मानव होते हैं, और एक जो होते हैं वो हमेशा गलत को बढ़ावा देते हैं, गलत सोच को बढ़ावा देते हैं, हिंसा और अहिंसा इसी दोनों में हमेशा लड़ाई हुई। जब से मानव का उदय हुआ तब से हिंसा और अहिंसा में लड़ाई हुई, और बहुत सारे पुजारी जो है अहिंसा की रक्षा करते करते अपने शरीर को बलि चढ़ा दिए अपने देश के। गांधी जी के उन्होंने शरीर की तो हत्या कर दिया, लेकिन गांधी जी की जो विचार है उसकी हत्या कभी नहीं हो सकती। एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, गांधी जी को उस समय जब तक थे, आप लोग नाम सुने होंगे आइंस्टीन के बारे में, दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक आइंस्टीन, उस दौर में गांधी जी भी थे। उन्होंने गांधी जी के बारे में कहा कि हाड़ मांस का एक पुतला जो कि नंगा केवल एक धोती पहनकर एक लाठी लेकर के चलता है, इतिहास के जो बाद की जो आने वाली पीढ़ियां है वो ये सुनकर विश्वास नहीं करेंगी कि जो दुनिया में साम्राज्य जो अंग्रेजों का था उसको एक अपने लाठी अपने अहिंसा से उसने जो है अपने देश से बाहर कर दिया। एक आइंस्टीन का विचार था गांधी जी के प्रति। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि संसार का सबसे बड़ा वैज्ञानिक गांधी जी को इस तरीके से उसने व्याख्या किया है, बहुत सारी चीजें उनके ऊपर लिखा गया। उस समय के जितने भी लोग थे सभी लोगों ने गांधी जी पर रिसर्च किया, अध्ययन किया, ये गांधी जी की सोच थी। अहिंसा को ले लीजिए, पर्यावरण को बचाने को ले लीजिए, स्वच्छता को ले लीजिए, नाली को ले लीजिए, गंदी हम लोग लैट्रिन को साफ करने में सोचते हैं कि कोई स्वीपर आएगा वो सफाई करेगा, हम गंदगी करते हैं, लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं थे। खुद अपने अनुयायियों के साथ ले जाके पूरी गली की गली, रोड की रोड, सड़क की सड़क जो है सफाई किया करते थे। उसी तरह उनको पूरब का संत कहा जाए, दो समय संत हुए, एक पश्चिम का संत जिसको कार्ल मार्क्स कहते थे, एक पूरब का संत जिसको गांधी जी कहते थे। दोनों गरीबों की मुक्ति के लिए कार्य कर रहे थे। गांधी जी भी गरीबों को न्याय दिलाना चाहते थे, कार्ल मार्क्स भी पश्चिम में गरीबों को मुक्ति दिलाना चाहता था, उनके अधिकारों को दिलाना चाहता था, लेकिन दोनों के कार्यों में दोनों के उद्देश्य एक थे लेकिन रास्ते अलग अलग थे। उसका कार्ल मार्क्स कहता हिंसा के द्वारा, वो कहता था कि ऐसे नहीं देंगे तो इनको हिंसा करके मार करके छीन लेना, और उस हिंसा के कारण जो है उसकी विचारधारा मार्क्सवाद फैली, रूस में फैली, चीन में फैली, बहुत जगह फैली, लेकिन देखते ही देखते 20-25 सालों में उसकी जो पॉलिसी थी वो समाप्त हो गई, खत्म हो गई। लेकिन गांधी जी की जो अहिंसा का विचार था वो उस समय भी था, आज भी है, और पूरी दुनिया उसकी ओर ही अग्रसर। ये हमारे गांधी जी की विचारधारा थी, और उनके ही अनुयायी, और संयोग से उसी दिन 2 अक्टूबर 1904 को पैदा हुए, और गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री में थोड़ा सा अंतर। अभी बी एल गुप्ता जी ने बताया गांधी जी बहुत अमीर फैमिली के थे। बेटा
उस समय दीवान जो राजकोट एक राज्य होता था, जैसे आपका उत्तर प्रदेश है, उस राजकोट के दीवान के मतलब सबसे बड़े मंत्री, सबसे बड़े फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके पिताजी करमचंद गांधी जी, उनके बेटे थे, किसी चीज की कमी नहीं थी। और उन्होंने पढ़ाई किया और लंदन में जाके पढ़ाई किया, उच्च कोट के बैरिस्टर थे। इसके बाद भी उन्होंने वो सारा जो है सुख को छोड़ दिया और उन्होंने अपने आप को एक गरीब की तरह पूरी जिंदगी जिया। दूसरी ओर लाल बहादुर शास्त्री जी एक प्राइमरी के टीचर के लड़के थे, शारदा प्रसाद श्रीवास्तव उनका नाम था, और दुर्भाग्य कहिए कि 1.5 वर्ष के थे, मुगल सराय गंगा जी बनारस के उस पार, गंगा जी के उस पार मुगल सराय, इस बार काशी है। उन्होंने 1.5 वर्ष के थे, उनके पिताजी की साया हट गई। अब इसके बाद उनकी माँ अपने ननिहाल जो है ले गई, जहाँ मायके बोलते हैं, वहाँ नाना जी भी दुर्भाग्य से वो भी खत्म हो गए, कोई सहारा। किसी तरीके से उनकी माँ उनकी परवरिश की, लेकिन वो पढ़ने में मेहनती थे, गंगा जी को पार करके खुद आते थे नाव पर, कभी कभी पैसे नहीं होते थे, बताया जाता है कि वो जो है नाव वालों को अपनी पस्ता दे देते थे, उनके पीछे पीछे जो है तय करके गंगा जी को पार करते थे। अभी आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है, और उन्होंने संपूर्णानंद से शास्त्री की उपाधि प्राप्त किए, और शास्त्री के बाद वो श्रीवास्तव थे, कायस्थ परिवार के थे, वो जात पात को गांधी जी से सीख लिए, उन्होंने जातिवादक जो सब था श्रीवास्तव उनको हमेशा के लिए तिलांजलि दे दिया, कहा हमारी कोई जात नहीं। उन्होंने शास्त्री अपने और तब से लाल बहादुर शास्त्री के रूप में, और उन्होंने गांधी जी के जो है 16 साल के थे, 4 में जन्म हुआ, 16 साल की उम्र में गांधी जी के 1920 में असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए, फिर 1930 में हिस्सा लिए, जितना आंदोलन गांधी जी के हुआ उसमें सभी जगह वो खड़े रहे, और कई बार वो जेल में गए, अंग्रेजों ने जेल में बंद किया, बाहर किया, इसके बाद उन्होंने कभी भी गांधी जी की जो सिद्धांत था उनको छोड़े नहीं, और नेहरू जी के सानिध्य में उत्तर प्रदेश में काम करते। आप लोग एक सुने होंगे, जब देश स्वतंत्र हुआ, गोविंद बल्लभ पंत जी जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, जब मुख्यमंत्री बने तो उनको पुलिस मंत्री बनाया गया, परिवहन मंत्री बनाया गया, परिवहन मंत्री में महिलाओं को भागीदारी के लिए उन्होंने पहली बार बसों में कंडक्टर की नियुक्ति करवाई महिलाओं के लिए। यही नहीं, जब पुलिस मंत्री थे, जब दंगा या कोई विरोध करता था तो पहले अंग्रेजों के समय में लाठियां पुलिस चलाती थी, उसकी जगह पर उन्होंने पानी बौछार का प्रयोग किया कि आम जनता को किसी प्रकार का कष्ट न हो, ये उनकी सोच थी मानव के प्रति, जनता के प्रति। और यही नहीं, एक बार वो रेल मिनिस्टर थे, बेटा आप देखिए कुर्सी के लिए लोग, बेटा तो वो गांधी जी सॉरी शास्त्री जी जो है सिंपल आदमी बन करके अपने बच्चों के साथ जाते थे, ऐसा कि कोई वहां ये न कहे कि ये प्रधानमंत्री का लड़का, और सबसे पीछे बैठते थे जो पेरेंट्स मीटिंग होती थी, एकदम आम बच्चे की। और उन्होंने बेटा बहुत त्याग किया, 18 महीना केवल भारत के प्रधानमंत्री रहे, 1964 में नेहरू जी जब खत्म हो गए, उसके बाद जो है लगा कि नेहरू जी जैसा व्यक्तित्व इस देश में कोई नहीं है, लेकिन कई मंत्रालयों को संभालने के बाद उनकी सादगी उनकी सिधाई को लेकर के उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। और 62 में चाइना से युद्ध हुआ था, उसमें भारत हार चुका था, और इससे भारत के सेना का मनोबल बहुत डाउन था, नीचे था, और उसी समय याहिया खान वहाँ का जो है प्रधानमंत्री था, उसने सोचा कि ये तो बहुत सीधा साधा आदमी है, अब हमको बहुत सुनहरा मौका है, इसके ऊपर अटैक कर दिया जाए, उसने भारत के ऊपर अटैक कर दिया। और उस समय अमेरिका जो है सुपर शक्ति, वो पाकिस्तान के साथ खुला खड़ा था। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो उसको पावरफुल जो मुल्क है अमेरिका साथ दे रहा हो, और वैसे कंडीशन में शास्त्री जी डट कर सामना किए, जय जवान जय किसान का नारा दिए, किसानों के कहा कि तुम खूब अन्न उगाओ, और जवानों को कहा कि आप सीमा पर जो है लड़िए, जो कुछ होगा हम आपके लिए करेंगे, जो कुछ हुआ जैसे भी हुआ। और उस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि भारत विजयी हो, और यदि दबाव चारों ओर से शास्त्री जी पर पड़ने लगा, अमेरिका का दबाव, रशिया का दबाव, जितने भी इंटरनेशनल देश हैं, फिर ताशकंद में 1966 में एक समझौता हुआ, और समझौते के तहत जितना भारत ने जीता था, लाहौर तक पहुंच गया था भारत, उस क्षेत्र उसको
शास्त्री जी के देने की इच्छा नहीं थी, लेकिन दबाव बस उन्होंने साइन किया और रात में सोचते सोचते हार्ट अटैक हो गया। अब सोचिए बेटा, शास्त्री जी जो है अपने देश के लिए, वही था कि हम जाएंगे तो अपने देशवासियों से, अपने जवानों से, जो मेरे जवान शहीद हुए उनके लिए क्या कहेंगे। लेकिन इंटरनेशनल दबाव के वजह से उनको शांति करना पड़ा और इस तरीके से उन्होंने भी अपने देश के लिए अपने जीवन का त्याग कर दिया। तो बेटा इस प्रकार से इतनी महान विभूतियां हुई और वो हमें सिखाती है बेटा, वो कोई बहुत बड़े तेज, दोनों लोग पढ़ने में तेज नहीं थे। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताया जाता था, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया, वो लोग बहुत जीनियस थे, लेकिन ये दोनों महानुभाव जो थे, चाहे वो गांधी जी चाहे शास्त्री जी, औसत दर्जे के छात्र थे। और उससे जो औसत दर्जे के छात्र हैं उनको सीखने की जरूरत है कि कोई भी व्यक्ति महान अपने लगातार कार्यों के करने से होता है। आपके पास बहुत बुद्धि है, बहुत तेज है, लेकिन आप लगातार काम नहीं कर रहे हैं, आपका कहीं कुछ नहीं। तो इस प्रकार से बेटा ऐसे महान विभूतियों को हम लोग नमन करते हैं, वंदन करते हैं और हम उम्मीद करते हैं आप सभी से कि आप उनके आचरण से आज जो भी मतलब आप सीखे उनको पढ़िए। और ऐसे जितने भी महापुरुष हैं, केवल गांधी जी नहीं, जितने भी महापुरुष हैं उनके जीवनियों को आप पढ़िए, उनसे सीखिए। हर जीवनी, हर महापुरुष कुछ न कुछ आपको सिखाता है। जब हम पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, अपने देश की रक्षा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।